उसका बताते हैं करना क्या है, हमें ये स्टिक लेनी है और इसको अच्छी तरह से इस तरह से, ये सारी दवाएं जो होती हैं हमारी जो एक्सपायर हो जाती हैं हम क्या करते हैं इनको फेंक देते हैं, लेकिन आज से आपको इन दवाओं को फेंकने की ज़रूरत नहीं, हम कर लेंगे। सबसे पहली टिप है हमारी ये इस स्टिक को लेकर के, ये तो आइसक्रीम खाने वाली स्टिक सभी के घरों में होती हैं, अगर हम लोग यूज़ भी करते हैं कुछ लोग, लेकिन हम लोग यूज़ करके इनको फेंक देते हैं या फिर हमारे घर में रखी होती है या कभी चाट वगैरह हम लोग मार्केट से मंगाएं तो मंगाते हैं, तो इनको हम फेंक देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। तो हम आपको बहुत ही बढ़िया यूज़ इसका बताते हैं करना क्या है, हमें ये स्टिक लेनी है और इसको अच्छी तरह से इस तरह से इसको अखबार में हमें इस तरह से लपेट लेना है, और हमें क्या करना है कि ये यहाँ पे रबड़ यहाँ पे गेटिस चढ़ा देनी है। गेटिस चढ़ाने के बाद हमें इस पे हमने ये रबड़ लगा ली, अब हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे ये विनेगर, आप कोई सा भी विनेगर ले सकते हैं, हमने यहाँ पे विनेगर ले लिया है और ये हम स्टिक इसमें डिप कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा विनेगर हम इसमें लगा लेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये अच्छी तरह से इस पे विनेगर लगाने के बाद अब हम थोड़ा सा लेंगे टूथपेस्ट, कोई भी टूथपेस्ट ले लीजिए आप, कोलगेट या कोई भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा सा टूथपेस्ट ले लिया। अब हम इसको अच्छी तरह से इस पे लगा लेंगे, ये देखिए। अब हम करेंगे क्या, ये बोर्ड वगैरह हमारे बहुत गंदे हो जाते हैं, हम लोग हमें इनको हाथ से या गीले कपड़े से साफ करने में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, तो ये देख सकते हैं आप, हम इसको इस तरह से ये इस पे ये विनेगर, और ये आप विनेगर अगर आपके घर में नहीं है तो आप थिनर का भी यूज़ कर सकते हैं, और ये इस तरह से ये लगा के इस पे हम देखेंगे, और ये देखिए कपड़े से आप पोंछ दीजिए, बिल्कुल आपका बोर्ड एकदम नए जैसा हो जाएगा और ये बिल्कुल आपका बोर्ड ये चमक जाएगा। एक बार आप ये ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, ये देख सकते हैं आप हमारा बोर्ड बिल्कुल चमक गया है यहाँ पर। हम अपने गैस की बचत कैसे करेंगे कि हमारा क्या होता है, कभी कभी हमारे गैस साइड से ये बर्नर में से निकलने लगती है, तो हमारे ये दवा के जो पैकेट होते हैं ये, इनका हम बहुत ही अच्छा यूज़ बताएंगे जिससे कि आपके गैस की बचत होगी, आपका एक महीने का सिलेंडर बाद दो महीने चलेगा, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो हमारी गैस की बचत हो जाए वो ज़्यादा हम लोगों के लिए अच्छी बात है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि हम जैसे मतलब गैस की सफाई करने के लिए भी इसको यूज़ में ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये गंदगी भर जाती है यहाँ पे साइड में, इस तरह से हम इसको आराम से इससे साफ़ कर सकते हैं, और ये स्विच हमारे बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको इससे साफ़ करके और फिर हम यहाँ पर तेल थोड़ा सा सरसों का लगा देंगे, जिससे स्विच हमारे बार बार ऐसे घुमा देंगे जिससे स्विच हमारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, ये बर्नर को इस तरह से ये निकाल लेंगे। जब हमारी गैस ख़त्म होने वाली होती है तो हमारी गैस जब हम जलाते हैं तो उसमें लौ जो आती है वो पीली आती है, और जब गैस हमारी फुल होती है तो लौ हमारी नीली नीली होती है। ये देखिए अभी हमारी गैस फुल है तो हम आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं आप बिल्कुल नीली लौ है, और जब ये गैस ख़त्म होने वाली होगी तो ये पीली लौ लगेगी। तो हम करेंगे क्या, ये बर्नर हम निकाल लेंगे इस तरह से, हम आपको बताते हैं कि करना क्या है आपको। ये हमारी जो दवा है एक्सपायर दवा को हम फेंक देते हैं, फेंकना नहीं है, एक जिससे ये दवा हमारी एक्सपायर हो चुकी है गोली ली हमने, इसको इसमें डिप कर दिया और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें विनेगर। विनेगर आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके पास हो, वो आप विनेगर ले लीजिए। ये विनेगर डाल दिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम डाल देंगे यहाँ पे इसमें सर्फ, ये थोड़ा सा हमने इसमें सर्फ डाल दिया, और अब हम क्या करेंगे कि इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम लेंगे अपने ये दोनों बर्नर, और बर्नर में ये हम इसको ये सारा डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से हम इसको साफ कर लेंगे, जिससे इसमें इसके छेद अगर बंद होंगे, गंदगी भर जाती है कभी कभी, ऑयल वगैरह गिर जाता है तो ये बर्नर के छेद हमारे बंद हो जाते हैं, जिससे कि गैस हमारी इधर उधर से निकलती रहती है और गैस लीकेज करती रहती है। तो इस तरह से हम ये साफ़ करके और इसको अच्छे पानी से धुल के हम इसको गैस में लगा देंगे, इससे क्या होगा कि हमारी गैस की बचत भी होगी और हमें जो स्टिक से हम साफ़ करते हैं ये बर्नर के छेद, वो हमें साफ़ नहीं करने पड़ेंगे।
अगली टिप हमारी इस दिए को लेकर के, ये तो सभी के घरों में होते हैं, हम लोग किसी फेस्टिवल में या किसी भी पूजा पाठ में हम लोग इनको जलाते हैं और क्या करते हैं, हम इन बेकार दियों को फिर फेंक देते हैं। लेकिन आपको इस दियों को फेंकना नहीं है, हम आपको आज बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताने जा रहे हैं जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो हमें करना क्या है, इस दियों को गैस पर बहुत ही तेज़ हमें गर्म कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हम बहुत ही तेज इस दिए को गर्म कर लेंगे। इसको अलट पलट करके अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे हम। दिया हमारा बहुत ही तेज गर्म हो चुका है। दिया हमने गर्म कर लिया, ध्यान रखना है आपको गर्म दिए को नहीं छूना है, बहुत ही तेज गर्म होगा। अब हमें करना क्या है, दिए को हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये दिया इतना ठंडा हो जाए कि पकड़ने लायक हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा ना होने दें, और जब ये पकड़ने लायक हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के हम ये देखिए, आपके चाकू छुरी या फिर कद्दूकस कोई भी चीज़ हो, हम उसमें आराम से धार लगा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दिया हल्का गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। दिया हमारा हल्का गर्म है, हम क्या करेंगे, इस चाकू में इस तरह से चाकू में धार लगा लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से, इसी तरह से आप अपनी कोई भी कैंची लेके, कैंची में भी इसी तरह से आप अपनी धार लगा सकती हैं, और आप इसी तरह से कद्दूकस में भी आप ऐसे करके इस तरफ से और फिर इस तरफ से उल्टी तरफ से दोनों तरफ से आप ऐसे रगड़ के और इसमें भी आप आराम से धार लगा सकते हैं। ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, ये वाली ट्रिक आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। हमारी अगली ट्रिक है फ्रेंड्स, नेल्स को लेकर के। क्या होता है कि हम लोग कभी कभी खाना स्पून से, बहुत से लोग नहीं खाना पसंद करते हैं, और अपने हाथों से चावल खाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है, तो उससे हम लोग सब्जी वगैरह खाते हैं हाथों से सब्जी चावल, तो हमारे नेल्स जो होते हैं पीले हो जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा देखने में गंदे लगते हैं। उनको साफ़ कैसे करें, हम एक नींबू का टुकड़ा ले लेंगे और इस तरह से अपने नेल्स पे अच्छी तरह से ये ऐसे करके, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से रगड़ेंगे, सारे अंदर बाहर सारे नेल्स अच्छी तरह से साफ कर लेंगे दोनों। और या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, हम टूथपेस्ट लेंगे, कॉलगेट वगैरह, और अपने नेल्स पर लगा लेंगे और फिर कॉटन से इसको पोंछ लेंगे, जिससे कि हमारे नेल्स बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और पीलापन बिल्कुल गायब हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा चमकने लगेंगे। इसी प्रकार से नींबू या हम अपने पूरे हाथों पर इस तरह से रगड़ सकते हैं, जिससे कि हमारे हाथ बहुत ही ज़्यादा शाइन करेंगे और चमकेंगे, बिल्कुल फटेंगे नहीं आपके हाथ, काम काज आप कितना भी करें आपके हाथ बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मुलायम और सॉफ्ट रहेंगे, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा हाथ आपके देखने में अच्छे लगेंगे। वीडियो आपको मेरी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।